नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल हिमाचली रसोई में आपका स्वागत है। मैं कमलेश कुमारी, आज हम बनाएंगे बालों के लिए बहुत अच्छा तेल। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, लंबे नहीं होते और समय से पहले सफ़ेद हो रहे हैं, तो उसके लिए ये तेल बहुत अच्छा होता है। इसके लिए आपको मेरी वीडियो अंत तक देखनी होगी। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो आपको मिले। बहुत ही अच्छा ये तेल है। इसमें मैं बताऊंगी, ये जो फूल लिए हुए हैं हमने, कम से कम 200 ग्राम के करीब फूल लिए हुए हैं हमने। मैं दो तीन ही बता सक रही हूँ आपको, और इसका कलर भी ऐसा होता है, लेकिन ये फूलों से नहीं है, एक जड़ी और इसमें पड़ती है, आगे मैं उसको भी आपको बताऊंगी। और आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी बताइए, अपने रिश्तेदारों को बताइए, बहुत ही अच्छा तेल है ये। मैं ऐसे नहीं बता रही हूँ, मेरे खुद का अनुभव है। ये ले देखिए, मैंने कढ़ाई में 200 ग्राम तेल डाला है। मैंने लोहे की कढ़ाई ली हुई है, इसके लिए लोहे की कढ़ाई ही लेनी चाहिए। लोहे की कढ़ाई से हमें आयरन मिलता है, और इसको धीमी आंच पे पकाएंगे। लेकिन इसमें जो है, हम जो इसमें तेल डाल रहे हैं, कौन सा तेल? गरी का तेल, जो नारियल जिसे कहते हैं। 300 ग्राम के करीब मैंने इसमें तेल डाला है। और इसमें हम पहले पहले तो तेज आंच कर सकते हैं, बाद में जैसे पकता जाएगा तो धीमी आंच कर देंगे। इसका पानी खत्म होता जाएगा तो आग पड़ने का भी डर रहता है, इसलिए कम आंच कर देंगे। देखिए, ऐसे ही फूल मैंने डाले हैं, मैं आपको पहले नहीं बता सकी। और हिलाते रहेंगे, जलना भी नहीं चाहिए। ये चीज़ें घर की बहुत अच्छी होती है, हमारी बनाई हुई। बाहर से हम ले तो आते हैं बाज़ार से, लेकिन ये जो अपने हाथ से बनी हुई चीज़ें हैं, और हमें सब कुछ पता होता है इसमें क्या जड़ी डाली हुई है और कैसे, बहुत ही जितना बहुत कीमत दे के भी आपको तेल नहीं मिलेगा। इस तरीके से अगर आप बनाएंगे बहुत फ़ायदा होगा। ये देखिए, ये पक रहा है, मैंने धीमी आंच कर दी है। अगर इसमें आगे धीमी आंच करना पड़ेगी, अगर तेज रखेंगे तो ये आग पकड़ सकता है, जो नारियल का तेल है आग पकड़ लेता है, इसीलिए इसको कम ही आंच पे पकाएंगे आगे। अभी ठीक से हुआ नहीं, बीच बीच में हिलाते रहेंगे, ताकि ये देखिए अभी हो भी चुका है। अभी थोड़ा सा मैं चम्मच से उठा के आपको बताऊंगी, और हाथ से चेक भी करूंगी, कैसे चेक करना है कि हुआ या नहीं। इसी तरीके से चम्मच से उठाती हूँ, और ये देखिए हाथ से तोड़ के बताऊंगी, ये आराम से टूट रहा है, ऐसे ही पूरा टूट गया है। तो ये हो चुका है, अभी मैं गैस बंद कर रही हूँ, अभी ठंडा होने देते हैं। जब ठंडा हो जाएगा तो ये देखिए, मैंने एक बर्तन लिया हुआ है, तो एक छननी ली है, अभी ठंडा हो चुका है, इसमें छान लेते हैं इसको। जो ऊपर इसमें पके हुए फूलों का जो राख है, इसको अलग कर लेंगे और तेल को अलग कर लेंगे। ठीक से इसको दबा दबा के और हिला हिला के पूरा जो तेल है इससे निकाल लेंगे। ये देखिए, इसी तरीके सा का होना चाहिए, पूरा इसका असर फूलों का निकल चुका है। एक गुड़हल के फूल जो होते हैं हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं दोस्तों। आजकल तो बहुत ज़्यादा है खिले हुए, आप बहुत आराम से बना सकते हैं, सभी ने घरों में तो लगाए ही होते हैं। मैंने छान के इस बोतल में भर लिया है, आजकल गर्मियां है तो इस बोतल में भर लिया है। वैसे ये जो है नारियल का तेल जम जाता है। ये देखिए, मैंने एक और जड़ी इसमें डाली है, जिसे कहते हैं रतन जोत, ये पंसारी के यहाँ से बड़े आराम से मिल जाती है। इसको मैंने 50 ग्राम के करीब इसमें डाल दिया है, आप ला सकते हैं पंसारी से। इसमें डाल दिया, 3-4 दिन मैं इसे रखूंगी। देखो, बिल्कुल सिंपल कलर है इसका, लेकिन 3-4 दिन के बाद इसका कलर बहुत सुंदर हो जाएगा। इस जड़ी से जो मैंने रतन ज्योति इसमें डाली है, ये हमारे बालों के लिए बहुत ही लाभदायक होती है।
ये देखिए मैंने 4 दिन के बाद आपको बताया है, इसका कलर बहुत अच्छा हो चुका है। इसी तरीके से आप बना सकते हैं और खुले ढक्कन वाली बोतल में ही रखें। मुझे भी इसमें से निकालना पड़ेगा अगर कुछ ज़्यादा दिन चला, क्योंकि जम जाता है तो निकालना मुश्किल हो जाता है नारियल का तेल। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है 3 चीज़ों की, फूल, रतन जोत, नारियल का तेल। इस तरीके से बनाइए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़ने में। ये देखिए मैं डाल के बताती हूँ, ऐसा ही दिखता है, बहुत अच्छा लग रहा है। और जो जड़ी मैंने डाली है वो बीच में ही है, अगर बाद में अगर ख़त्म हो जाता है आपका तेल तो जड़ी का असर फिर से रह जाता है, बना के फिर से इसमें डाल सकते हैं। ऐसे गुड़हल का फूल ला के गरी के तेल में और फिर से उसी जड़ी में डाल के फिर से वो कलर ऐसे ही छोड़ेगी। ये हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। जो रतन जोत है ये देखिए कितना अच्छा कलर है। और इस तरीके से दोस्तों बनाइए और इसका फ़ायदा लीजिए। आपके छोटे बाल हैं बढ़ जाएंगे, जड़ रहे होंगे तो रुक जाएंगे, अगर सफ़ेद हैं तो सफ़ेद हो रहे टाइम से पहले तो वो भी काले पड़ जाएंगे। आपको मेरी वीडियो पसंद आए, ये देखिए मैं अभी बताती हूँ। इस तरीके से आप हाथ पे जैसे मैं बता रही हूँ इसी तरीके से आप बालों की जड़ों में लगाइए। जड़ों में तो कम से कम 15 दिन तक ऐसे ही जड़ों में लगाते रहिए। बाद में जो है आप हफ्ते में 2 बार भी लगा सकते हैं, लेकिन ये रोज़ ही लगाना है 15 दिन तक। थैंक यू।